हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रश्मि और आज हम जा रहे हैं बहुत ही नई जगह एक्सप्लोर करने। मतलब मेरा तो फर्स्ट टाइम होगा रमजान में। मोहम्मद अली रोड पर जा रहे हैं हम लोग और वहाँ पे रमजान में मैंने सुना है कि वहाँ पे बहुत अच्छी फीस्ट होती है, पूरा रास्ते पे खाने पीने की चीज़ें होती है। सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर। इज माई फर्स्ट टाइम एवर दैट आई एम गोइंग फॉर अ लाइक रमजान में मोहम्मद अली रोड एक्सप्लोर करने। सो लेट्स सी हाउ इज इट। और मैं आपके साथ भी बनी रहूँगी और चीज़ें जो भी एक्सप्लोर करूँगी और जो भी टेस्ट करूँगी मैं आप लोगों को भी ज़रूर बताऊँगी। प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा आगे तलक। फाइनली रीच स्टेशन, वेटिंग फॉर आवर ट्रेन। फिर हम जाएंगे चर्च गेट, बस स्टेशन पे है अभी। यहाँ से आएगी ट्रेन, आपको मैं दिखा देती हूँ। मेरी ट्रेन आएगी ये चर्च गेट फास्ट। सो इसमें मैं जाने वाली हूँ। ऋषि रेडी? रेडी टू एक्सप्लोर बाबू? लेट्स मीट एट आवर डेस्टिनी। बाय। पहुंच गए हैं चर्च गेट स्टेशन। अभी जा रहे हैं मोहम्मद अली रोड के लिए, यहाँ से कैब कर रहे हैं। ये है मुंबई की जर्नी जो है रात में, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। अब हम निकल चुके हैं मोहम्मद अली रोड के लिए। मोहम्मद अली रोड अगर किसी और को जाना है तो ज़रूरी है चर्च गेट से ही जाना है। मस्जिद बंदर स्टेशन जो है वो बहुत ही नज़दीक है वहाँ से, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस है वहाँ पर। इतनी गर्दी थी, इतना ट्रैफिक था, तो हमें बीच में ही उतरना पड़ा और यहाँ से थोड़ा वॉकिंग करके जाना पड़ा। पूरे रास्ते रमज़ान एसेंशियल्स, खजूर, टोपी, कैप जो भी आप लोग यूज़ करते हैं वो सारी दिख गई थी। जमजम स्वीट्स के बाद में लेन स्टार्ट होती है खाने की और ये मस्जिद आप देख रहे हैं ना, इसे आप अपना लैंडमार्क मान के चल सकते हैं। इसी मस्जिद के बाजू वाली जो लेन है वहाँ से जो है खाने की पूरी शॉप्स चालू हो जाती है। हम गए थे मंडे के दिन और मंडे को भी इतनी ज़्यादा रश। ये था भीड़, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश है। और सबसे पहली शॉप थी खाने की ये, जहाँ से हमने क्या ऑर्डर किया था, हमने ऑर्डर किया था सीख कबाब और चिकन चीज़ रोल, जो कि बहुत ही ज़्यादा यम था। यहाँ पे बहुत सारे चिकन की वैरायटीज थी जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी। ये आ गया हमारा ऑर्डर चिकन सीख कबाब, जो कि मुंह में डालते ही जैसे घुल जा रहा था, बहुत ही ज़्यादा यमी था। सो अगर आप वहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं खाने के लिए तो कैश कैरी करिएगा, सब जगह गूगल पे और कार्ड्स अवेलेबल नहीं थे। और ये मेरा चीज़ रोल भी आ चुका है। ओह माय गॉड, दिस वाज यम। अभी याद आ रहा है तो मुंह में पानी आ रहा है। और पूरे रास्ते ऐसे मॉकटेल्स लगे हैं, मोहितो वगैरह एंड रोज़ शरबत, और ये हांडी भर भर के बिरयानी, और ये चिकन के स्टार्टर्स। सो बहुत चल के थक गए थे, सो हमने सोचा कहीं बैठ के ऑर्डर करते हैं। और ये जो जगह थी, हमने यहाँ से ये जो भाई साहब खड़े हैं रेड टी शर्ट में, इनका सुन के हमने ऑर्डर कर दिया था प्लेटर, चिकन प्लेटर, जिसमें बहुत सारे स्टार्टर्स आएंगे इनके बोलने के हिसाब से, कि 5 अलग अलग टाइप के स्टार्टर्स आएंगे 240 रुपीज़ का। बहुत ही बड़ा स्कैम किया था इन्होंने हमारे साथ, वो भी आपको पता चलेगा क्या था। आप देख सकते हैं ये था 240 का प्लेटर चिकन का, जिसमें जो तो ग्रीन और येलो कलर के आप देख रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ ब्रेड स्लाइसेस है जिसके अंदर नाम मात्र चिकन था। कबाब ठीक था, अच्छा था, चिकन सीख कबाब अच्छा था, और ये जो फॉइल में चिकन इन्होंने पकाया था वो भी अच्छा था। बट चिकन हंगामा जो ऑरेंज और ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है वो तो ठीक था, बट ये जो था रेशमी कबाब इनका मलाई कोफ्ता वो अच्छा था। इस स्कैम के बाद हम लोग इतना डर गए थे कि हम लोग बहुत सोच समझ के ऑर्डर करना चाह रहे थे सब जगह। अब
सब हम एक्सप्लोर कर रहे थे और ख़ुद से चेक कर रहे थे, ना कि सामने वाले की सुन के ऑर्डर करने वाले थे। तो हमने बहुत एक्सप्लोर किया चीज़ों को और ये पत्थर पे चिकन बन रहा है गाइस, दिस वाज वेरी न्यू टू मी। चिकन तंदूरी, दिस वाज स्क्यूअर्स में चिकन, मरहबा फास्ट फूड, ये बैदा रोटी और कीमा, ये सारी चीज़ें हैं। ये था हमारा अगला डेस्टिनेशन जी कॉर्नर, जहाँ पे हमने अपना डिनर किया था आफ्टर द स्टार्टर्स। सो यहाँ पे हमने पहले चेक कर लिया बाहर ही कि क्या क्या हमें मिल रहा है, देन वी वेंट इनसाइड एंड ऑर्डर्ड आर फूड। हम सेटल हो रहे हैं टू ऑर्डर आर नेक्स्ट आइटम्स। सो हमने यहाँ पे ऑर्डर किया है चिकन बुना, ये तंदूरी चिकन फुल हमने ऑर्डर किया था, और मेरे पास जो आप प्लेट दिख रहा है उसमें है कलेजी और ये रुमाली रोटी, और खाना बहुत ही अच्छा था यहाँ का। सो रेकमेंडेड है ये प्लेस, जी क्यूजीन आप चेक कर सकते हैं। सो डिनर हो चुका था, उसके बाद हमने खानी थी बिरयानी, जिसके लिए हम थोड़ा सर्च कर रहे थे, बट मोस्टली यहाँ पे मटन बिरयानी मिल रही थी। एंड मेरे साथ जो टीम थी हमारी पूरी, हम जो गए थे फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप, सो वी वर मोर कम्फर्टेबल इन टू चिकन, सो वी डिड नॉट ट्राई द मटन बिरयानीज ओवर हियर। एंड फिर हमने डायरेक्टली डिज़र्ट ट्राई किया, तो डिज़र्ट में यहाँ पे थी जलेबियाँ, फिरनी, शाही टुकड़ा, बहुत ही कुछ। सो मैंने क्या क्या खाया मिनारा स्वीट से देखते हैं। सो ये थी मावा जलेबी और ये हमारी रेगुलर जलेबी। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन है डिज़र्ट के लिए भी, जो कि बकलावा, गाजर का हलवा, अंजीर का हलवा, रोज़ का हलवा, मैंगो हलवा। ये हमारा था डिज़र्ट जो हमने एंड किया था, विच वॉज रबड़ी जलेबी। नेक्स्ट हमने ऑर्डर किया था ये शाही टुकड़ा, जो कि ब्रेड को थोड़ा सा घी में रोस्ट करके एंड उसके अंदर रस मलाई का वो रस में डिप करके रखा था, जो कि बहुत ही अच्छा था एंड बहुत सॉफ्ट और सटल स्वीट था एकदम। ये मेरा नेक्स्ट स्वीट या डिज़र्ट आप बोल सकते हैं वो ट्राई किया था मैंने यहाँ पे। गरम गरम बन रहे थे मालपुआ, तो हमने सोचा हम कुछ इसमें से पार्सल ले लेते हैं मम्मी पापा के लिए, तो हमने ये पार्सल करवा लिया था मालपुआ, जो कि बहुत ही हैवी था, मतलब एक जन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हैवी था। सो मावा के साथ कॉम्प्लीमेंट्री हमें रबड़ी भी मिल रहा था। सो घर पे आके मॉम डैड ने ट्राई किया था, विच वॉज यम, दे इवन दे सेड इट वॉज गुड। ये था सैंडल मावा, जो और पूरे रास्ते यहाँ पे ऐसे स्वीट्स और ये बेकरी के स्टफ्स थे, जिसमें डबल रोटी, बन पाव, मस्का पाव, मॉकटेल्स, मोहितोज, और ये वेडिंग लहंगाज, ब्राइडल लहंगाज, अवाया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ पे जो रमज़ान एसेंशियल्स होती है, वो पूरे रास्ते 10:30, 11:30, 12:30 बजे तक सारी दुकान ओपन थी, सारी दुकानें खुली थी वहाँ पर। हमने हमारा एंड किया फीस्ट विद अ नींबू पानी, क्योंकि पेट बहुत भर गया था, सो हमने कहा था कि प्याज भी लगी थी, तो हमने नींबू पानी पिया और हमारा फीस्ट हो गया यहाँ पे एंड। और हम यहाँ से निकल पड़े अपने घर के लिए, सो अभी घर जाने के लिए भी 1 घंटा लगता हमें, सो हम अभी निकले हैं यहाँ से कैब करके चर्च गेट स्टेशन। ये हम जा रहे हैं चर्च गेट स्टेशन, और ये है मुंबई रात में कितनी खूबसूरत, ये है वीटी स्टेशन, और हम जा पहुँच ही चुके हैं ऑलमोस्ट स्टेशन, ये हमारी ट्रेन आने का हम वेट कर रहे हैं। ट्रिप हो चुकी है ख़त्म, पहुँच चुके हैं वसई स्टेशन, अब जा रहे हैं घर।
ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल रश्मि। टाटा बाय।